हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू क्रिएटर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसी 5 गलतियाँ जो कि न्यू क्रिएटर को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनका चैनल डिलीट हो सकता है। उनका चैनल डिलीट करने में यूट्यूब थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगाएगा अगर आप इन 5 में से एक भी गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो गलतियाँ हैं जो न्यू क्रिएटर करते हैं, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में टॉपिक नहीं मिलता और वह ऐसी वैसी वीडियो बना देते हैं जिसकी वजह से यूट्यूब उनको स्ट्राइक दे देता है और उनके चैनल को टर्मिनेट कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने बहुत से सुना होगा कि अभी जो बहुत से चैनल डिलीट हो रहे हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी चैनल डिलीट हो रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि उन्होंने पहले कोई छोटी मोटी गलतियाँ कर ऐसी कोई वीडियो बना दी है जिसकी वजह से उन्हें अब उनका चैनल डिलीट हो गया और उन्हें अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, गलती नंबर फर्स्ट क्या है, इस टॉपिक पर आप कभी वीडियो नहीं बनाएं कि आप YouTube की वीडियो कैसे डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाए तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स YouTube प्लेटफॉर्म इसीलिए लेकर आया है ताकि वहां पर आकर लोग वीडियो देखें और जिससे ऐड आए और उससे YouTube को फ़ायदा हो और आपको भी कुछ फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये बता देंगे कि YouTube की वीडियो को कैसे डाउनलोड करें तो फ्रेंड्स ऐड नहीं आएगा और फिर YouTube को हो जाएगा घाटा। तो फ्रेंड्स, वह थोड़ी सी भी देर नहीं करेगा आपके चैनल को डिलीट होने में। तो फ्रेंड्स, कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं चाहता कि अपना घाटा हो। तो फ्रेंड्स, YouTube तो फिर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो तो कैसे चाहेगा। तो फ्रेंड्स, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें कि YouTube की वीडियो कैसे डाउनलोड करें, ये टॉपिक पर वीडियो कभी ना बनाएं। तो फ्रेंड्स, अब गलती नंबर 2, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो नहीं बनानी है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं जो कि किसी भी ऐप का जो होता है मोड APK कैसे डाउनलोड करें, किसी वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें, इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। तो खासकर जो काइनमास्टर होता है उसका मोड APK पर आपको कभी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर सभी ऐप के पर नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जो काइनमास्टर उस पर ज़्यादा पावरफुल होता है काइनमास्टर वाला, क्योंकि ज़्यादातर सभी काइनमास्टर यूज़ करते हैं। तो किसी भी ऐप के मोड APK डाउनलोड कैसे करें, ये आप इस टॉपिक पर आपको वीडियो नहीं बनानी है, ये डाउनलोड करना नहीं बताना आपको किसी भी वीडियो में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है और आपको स्ट्राइक मिलेगी पहले तो, और फिर आपका चैनल गायब हो जाएगा। तो इस पर आप कभी भी वीडियो नहीं बनाएं कि कैसे मोड APK डाउनलोड करें। तो ये हो गई गलती नंबर 2। अब गलती नंबर 3 आती है। गलती नंबर 3 है जो नए यूट्यूबर बहुत करते हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि अपन किसी की वीडियो कॉपी करके डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी की एज इट इज़ सेम कॉपी वीडियो डाउनलोड की और आपने उसको YouTube पर अपलोड कर दी, तो ये अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ी ही देर में कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगी और आपका फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी और बैक टू बैक 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आते ही 90 दिन के अंदर आपका चैनल हो जाएगा डिलीट। तो कभी भी वीडियो कॉपी कर डाउनलोड, मतलब कॉपी कर अपलोड ना करें, नहीं तो आपका चैनल हो जाएगा डिलीट। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब कि उसमें जो नॉलेज है वो कॉपी कर सकते हैं और आप खुद वीडियो बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर सेम टू सेम वो कि वही वीडियो डालेंगे तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी गलती नंबर 3। तो फ्रेंड्स, अब आती है बारी गलती नंबर 4, जिसमें आपको किस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनानी है। फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर आप जो भी मतलब कि कोई इंसान है या फिर कोई जानवर है, कोई उसको मार रहा है या फिर उसको परेशान कर रहा है, उसको उस वीडियो को आपको अपलोड नहीं करना है। मतलब कि आप किसी जानवर जैसे कुत्ता हो गया उसको मार रहा है या फिर उसको परेशान कर रहा है, उसकी वीडियो बनाकर आप YouTube पर नहीं डालनी है, तो नहीं तो आपके YouTube वीडियो डिलीट कर देगा। और ऐसे कि हो गया कोई इंसान भी है उसको परेशान करते हुए, कोई वीडियो नहीं डाल सकते। जैसे कोई बच्चा हो गया उसको आप उससे कोई काम करवा रहे हैं या फिर उसको पनिशमेंट दे रहे हैं या फिर उसको मार रहे हैं और वीडियो बनाकर आप YouTube पर डाल रहे हैं, तो अगर आप ये गलती करते हैं YouTube पे वीडियो डालने की, तो आपका चैनल थोड़ी ही देर में डिलीट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, YouTube ऐसी मतलब वीडियोस नहीं चाहता कि उसके प्लेटफॉर्म पर आए जिससे कि जो अपने समाज पर कोई असर पड़े, मतलब कि आप किसी बच्चे को परेशान कर रहे हैं, किसी औरत को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता YouTube और उस चैनल को डिलीट करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई गलती नंबर 4। तो फ्रेंड्स, गलती नंबर 5, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो नहीं बनानी है। आपका अगर चैनल रिव्यू बेस्ड कंटेंट चैनल है तो आपको
मतलब कि जो बेटिंग ऐप होते हैं उनका रिव्यू नहीं करना है, जिन पर कि पैसे लगाए जाते हैं किसी भी गेम पर या फिर किसी भी चीज़ में, उनका रिव्यू आपको नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप उनका रिव्यू करते हैं तो आपका चैनल यूट्यूब थोड़ी देर नहीं लगाएगा डिलीट करने में, क्योंकि फ्रेंड्स बैटिंग तो जो मतलब कि रियल में होती है जो उसको वो भी इलीगल है, तो आप रिव्यू करना भी उसका इलीगल है, क्योंकि आप उनको सिखा रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अब बैटिंग करने का, उनको सट्टा खेलने का, आप रिव्यू कर रहे हैं मतलब कि उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपका चैनल थोड़ी देर में नहीं लगाएगा डिलीट होने में। यूट्यूब कोई भी ऐसी गलत काम, कोई भी गलत चीज़ को कभी भी प्रमोट करेगा, आप उस पर अच्छी चीज़ डालें यूट्यूब कुछ नहीं करेगा, गलत चीज़ डालेंगे तो आपका ज़रूर डिलीट होगा। और फिर आपको बता दूँ कि आप सोचें कि अगर आपने वीडियो कोई डाली टॉपिक पर और आपकी वीडियो डिलीट हुई, एक दिन नहीं हुई, दो दिन नहीं हुई, कुछ महीने नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ऐसा इसलिए होता है यूट्यूब की वीडियो आपकी वीडियो यूट्यूब की नज़र में नहीं आती है, लेकिन आपकी वीडियो यूट्यूब की नज़र आ गई थोड़ी बाद आ जाएगी, आज नहीं तो कल ही, इसलिए आपका चैनल डिलीट हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आप डालने ही लग जाते हैं, इसी यही कारण है जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका चैनल डिलीट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी की है जब वो छोटे यूट्यूबर थे, लेकिन जब यूट्यूब ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो जब बड़े हो गए तो उनके चेक करने लगा जैसे ही पता चला और उनके चैनल डिलीट कर दिए। तो फ्रेंड ये गलती स्टार्टिंग में ही नहीं करें, नहीं तो आपको बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी, आपने वीडियो पूरी देख ली, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप गलती कभी ना करें, नहीं तो आपका यूट्यूब करियर स्टार्ट होने से ही ख़त्म हो सकता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।